हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपोस्ट्रॉफी एस को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है अपोस्ट्रॉफी एस कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। कई लोग तो ऐसे करते हैं, जहाँ एस देखा चलो जी अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, है ना, और ये नहीं उनको पता होता कि अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लगाना है नहीं लगाना। एस लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से सीख लिया उन्होंने, जहाँ एस देखा चलो अपोस्ट्रॉफी लगा दिया उसके आगे। और कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। कई कहते हैं अच्छा वो जो कॉमा होता है और ऊपर लगा होता है वो वाला, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कहीं पर ऑफ की फील देनी होती है किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि का के की, जैसे उसका उसकी उसके उनका उनकी उनके, इस तरह के जब भी कोई फील देनी होती है का के की तो वहां पर हम लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। जैसे अगर हमने बोलना है मोहित की नोटबुक, नोटबुक किसकी है, मोहित की नोटबुक है, ठीक है, तो अगर ऑफ लगा के बोलना तो कैसे बोलेंगे, नोटबुक ऑफ मोहित, ऐसे बोलेंगे ना। और अगर हमने अपोस्ट्रॉफी लगाना तो उसके लिए बोलेंगे मोहित्स नोटबुक। और अगर हमने बोलना है सीमा की डॉल तो हम कैसे करेंगे, सीमाज डॉल, डॉल ऑफ सीमा, सीमाज डॉल, सीमाज डॉल, सीमा की डॉल, ठीक है। और अगर हमने, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, हर किसी के लिए यूज होता है अपोस्ट्रॉफी एस। जैसे कि ट्री के लिए हम यूज कर लेते हैं, जैसे हमने बोलना है कि ट्री की ट्रंक, जैसे इस ट्री की ट्रंक, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रंक ऑफ दिस ट्री, ऐसे करेंगे ना, तो क्या दिस ट्रीज ट्रंक, ठीक है, ट्रीज ट्री की, इस तरह से हम बात करेंगे। और अगर हमने बोलना है माय सिस्टर्स क्लोथ्स, ठीक है, मेरी सिस्टर के कपड़े या फिर मेरी सिस्टर की ड्रेसेस, तो कैसे बोलेंगे, माय सिस्टर्स ड्रेसेस, ड्रेसेस ऑफ माय सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर के, मेरी सिस्टर की ड्रेसेस, ठीक है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं लोग। जैसे अगर हमने एक लड़के के बारे में बात करनी है कि एक लड़के की नोटबुक, ठीक है, नोटबुक ऑफ अ बॉय, अ बॉय मतलब एक लड़के की नोटबुक, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अ बॉयज नोटबुक या फिर द बॉयज नोटबुक, ठीक है, नोटबुक ऑफ अ बॉय है तो अ बॉयज नोटबुक, नोटबुक ऑफ द बॉय है तो द बॉयज नोटबुक, ठीक है। और एक ही लड़के की ज्यादा नोटबुक्स हैं तो कैसे बोलेंगे कि नोटबुक्स ऑफ अ बॉय, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अ बॉयज नोटबुक्स, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, एक लड़के की नोटबुक्स, ठीक है। लेकिन अगर लड़के भी ज्यादा हैं, नोटबुक्स भी ज्यादा हैं, तो कैसे लिखेंगे, अगर ऑफ में बोलना है तो कैसे, नोटबुक्स ऑफ बॉयज, नोटबुक्स ऑफ बॉयज, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो उसको अगर हमने अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे बॉयज नोटबुक्स, मतलब एस के पीछे लगेगा अपोस्ट्रॉफी और एस बाद में नहीं लगेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था ना, कि बॉयज लिखा, अपोस्ट्रॉफी लिखा और फिर एस लिखा, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा साल पहले ऐसे होता था, लेकिन अब काफी सालों से यही है कि जहां पर प्लूरल में एस आता है वहां पर हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और दोबारा से एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज इट लुक्स वेरी ऑड। तो वो बोले एस को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया कि जहां पर प्लूरल में आएगा एंड में एस वहां पर सिर्फ सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगेगा और ये फील आएगी, मतलब ये अंडरस्टूड है कि उसके बाद एस है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बोलना है कि गर्ल्स की डॉल्स, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स हैं और उनकी डॉल्स भी ज्यादा हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, गर्ल्स डॉल्स या फिर द गर्ल्स डॉल्स, मतलब लड़कियों की डॉल्स, तो गर्ल्स लिखा तो एस है उसके एंड में, अपोस्ट्रॉफी लगाया और डॉल्स, लड़कियों की डॉल्स, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमेशा नहीं होता है कि जहां पर प्लूरल में एस नहीं होगा वहां पर हम अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाएंगे, ठीक है, वो इसलिए है जहां पर प्लूरल में एस आता है वहां पर हमने सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है, अगर हमने का के की फील देनी है तो, सेंस देनी है तो। जैसे कि अगर हम ये बोले बच्चों के खिलौने, ठीक है, बच्चों के खिलौने, चाइल्ड होता है बच्चा और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के, जैसे बच्चा और बच्चे, तो बच्चों के खिलौने, तो चिल्ड्रन, तो क्या होगा, द चिल्ड्रंस टॉयज, यहाँ पर चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है उसके आगे हम अपोस्ट्रॉफी भी लगा रहे हैं और एस भी लगा रहे हैं, क्योंकि
वहां पर प्लूरल में एंड में एस नहीं है इसलिए, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। और जैसे ये नहीं अब आपने ये सोचना कि जहां पर भी एस देखा और पीछे लगा दिया आपने अपोस्ट्रोफी। अगर आपने ये देखना एक सेंटेंस, द सेटिंग्स ऑफ दिस कंप्यूटर हैव गॉन रॉन्ग, कि इस कंप्यूटर की सेटिंग्स जो है खराब हो गई। सेटिंग्स ये नहीं, सेटिंग्स देखा तो जहां सेटिंग्स में एस था चलो जी जी के बाद लगा दिया अपोस्ट्रोफी, नहीं। ये देखना है आपने कि इसमें अपोस्ट्रोफी एस का सेंस बन रहा है नहीं बन रहा, का के की का बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अगर हमने ये बोलना है बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो बॉयज ऑफ दिस स्कूल तो कैसे होगा, दिस स्कूल्स बॉयज, ठीक है, दिस स्कूल्स बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, या फिर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये नहीं बॉयज देखा तो चलो जी वाई के बाद लगा दिया अपोस्ट्रोफी, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और एक बहुत बहुत भारी भरकम मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं, जो भी अपना राइटिंग कुछ भी लिखते हैं अगर लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल, तो नीचे लिखना होता है ना आपने योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली लिखते हो आप लोग, ठीक है। और मेरे को लगता है 50-60% लोग तो योर्स में आर के बाद लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी, और वो कि बहुत ज्यादा रॉन्ग होता है, वो आपने कभी भी नहीं करना है। योर्स में कभी प्लीज अपोस्ट्रोफी मत लगाना, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। और जिनको आती है इंग्लिश, अगर उनके पास आपका लेटर जाएगा या एप्लीकेशन जाएगी तो वो बुरा इंप्रेशन भी आपका पड़ेगा कि किस तरह से ये लिख रहे हैं, इनको ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, और अपोस्ट्रोफी एस अब बहुत ही ध्यान से यूज करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर मुझे मेल कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो बेसिक ग्रामर है उसकी लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो आज का एपिसोड फ्रेंड्स करती हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।